तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कई बार क्या होता है जब हम योनो एसबीआई में लॉगिन करने का कोशिश करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है। दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अनदर। तो यहाँ पे इसका क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरा बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारा सॉल्यूशन का हल हम बताएंगे आपको। दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये योनो एसबीआई का नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नंबर को अपने मोबाइल से आपको कॉल लगाना है। इस वीडियो में आपको जैसे जैसे फॉलो करने के लिए कहा जाएगा उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो उसका प्रॉब्लम आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे कॉल लगा देते हैं। योनो के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू योनो हेल्पलाइन। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। लॉगिन संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। उत्पाद और सुविधाओं के लिए 2 दबाएं। अपने सुझावों और शिकायतों के लिए 3 दबाएं। एटीएम कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए 4 दबाएं। अपने मोबाइल को डी रजिस्टर करने के लिए 5 दबाएं। गुप्त जानकारी जैसे कि एम पिन, पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर, तो सर योनो एसबीआई हम ये ऐप्स यूज करते हैं, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद ये प्रॉब्लम आता है, तो हम आपको रीड करके एक बार सुनाते हैं। दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर यूजर। बताने के लिए धन्यवाद। दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अनदर यूजर, ये लिखा आता है आपको जी। इसका क्या सोल्यूशन है सर? निश्चिंत रहेगा, पूरी सहायता की जाएगी, मैं चेक कर लेता हूँ आपके। मैं डिवाइस से योनो ऐप को पहले एक बार डी रजिस्टर कर देता हूँ, फिर आपको ये वाला एरर लिखा हुआ नहीं आएगा जी। बिल्कुल सर, लाइन पे होने, मैं आपका डी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। ओके, अकाउंट नंबर आपका बता दीजिए। तो सर डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अकाउंट नंबर भी लगता है जी? बिल्कुल जी, लिखिए सर। बताइए। 3739। बताने के लिए धन्यवाद, मैं चेक कर लेता हूँ, लाइन पे बने रहे आप जी। पूरा नाम आपका? मिथुन कुमार। ब्रांच कहाँ पर है आपकी? होम ब्रांच महेशपुर। बताने के लिए धन्यवाद सर। नंबर आपका यही रजिस्टर्ड है, आपके कॉल का इसी जो ना आप यूज करते हैं जी? जिससे हम कॉल किए हैं वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। लाइन पर है ना जी। आपका डिवाइस मैंने सर डी रजिस्टर कर दिया, एक बार आप योनो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं जी। आपका योनो एप्लीकेशन डी रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है सर जी। योनो एप्लीकेशन डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो मेरा दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं ना आएगा सर? अब नहीं सर, अब आप एप्लीकेशन को रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर केयर को जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको चार चीज़ पूछा जाएगा, वो है अकाउंट नंबर, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसके बाद होम ब्रांच और आपका फुल नाम। ये सब बताने के बाद आपका जो है कंप्लीट, ये जो है प्रॉब्लम आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको कभी भी इस प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो इस वीडियो के रिकॉर्ड लिंक आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।